आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली के आजादपुर इलाके में मेन रोड पर हर रोज लगता है ये लंबा जाम। जाम की वजह से आने जाने वाले लोगों को हो रही है दिक्कतें। पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण कार्य और नाले की सफाई की वजह से रोड ब्लॉक करने के कारण हर रोज लगता है जाम। कई शिकायतों के बाद भी सड़क के काम को जल्द नहीं किया जा रहा है पूरा। राजधानी दिल्ली में जाम लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। दिल्ली के कई जगहों पर लगने वाले जाम की वजह से लोगों का समय भी बर्बाद होता है और उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा ही एक जाम की समस्या दिल्ली के आजादपुर इलाके में भी इन दिनों बनी हुई है, जहां लोग घंटों जाम में फंसकर सफर कर रहे हैं। आजादपुर सब्जी मंडी से लेकर आदर्श नगर रेड लाइट तक भीषण जाम की समस्या हर रोज बनी हुई है। खास तौर पर सुबह और शाम के वक्त लगने वाला जाम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन गया है। दरअसल मुख्य रोड पर ही कई जगहों पर पीडब्ल्यूडी का निर्माण कार्य चल रहा है, साथ ही साथ कई जगहों पर नालों की सफाई के लिए सड़क को भी ब्लॉक किया गया है। सीमेंट के बड़े बड़े गेट लगाकर सड़क ब्लॉक की गई है। इसके अलग अलग जगहों पर ही सड़क के कुछ हिस्से को ब्लॉक किया गया है, जो इन दिनों जाम की मुख्य वजह बन चुका है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी होने की वजह से आजादपुर इलाके में वाहनों की आवाजाही भी अन्य जगहों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसकी वजह से यहाँ रोड ब्लॉक होने के कारण कुछ मिनटों में लंबा जाम लग जाता है और लोग परेशान होते हैं। लेकिन इन सब समस्याओं के बावजूद भी संबंधित विभाग की तरफ से निर्माण कार्य को जल्द खत्म करने की कोशिश नहीं की जा रही है। अस्थाई लोगों का कहना है कि इस बाबत कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन काम पूरा होने के बाद भी सीमेंटेड बैरिगेट को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसकी वजह से यहां पर रोज लंबा जाम लगा रहता है। क्योंकि आजादपुर मंडी होने की वजह से यहां भारी वाहनों का आना जाना है, इसलिए कुछ ही मिनटों का में जाम कई किलोमीटर लंबा हो जाता है और लोगों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। सवाल तो ये खड़ा होता है कि लोगों को हो रही दिक्कत पर शिकायत करने के बाद भी अगर अधिकारी कार्रवाई ना करे तो आखिरकार अब परेशान जनता अपनी समस्या के लिए किसके पास जाए। दिल्ली से न्यूज 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। ये सर क्या नाम है? मेरा नाम मनोज है। मनोज जी, यहाँ आजादपुर की बात करी जाए, आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन का लंबा जाम लगता है, जाम लगने के क्या रीजन है? एक तो ये पीडब्ल्यू वालों ने पत्थर लगा रखे हैं, आप उस पर से देख सकते हैं, वहाँ पे वो कूड़ा छोड़ रखा है, उस वजह से बहुत लंबा जाम है। पीडब्ल्यू भी है, दिल्ली सरकार भी देख सकती है कि अब बारिश हो रही है, फिर भी ये इन्होंने पत्थर 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं लगे हुए। क्या लग रहा है इस समय जाम की समस्या से कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी है, टाइम पे गाड़ियाँ नहीं आती हैं ना टाइम पे। अभी भी चलो बच्चों को स्कूल बंद है, लेकिन जब भी जो जा रहे हैं वो नहीं टाइम पे पहुँच पा रहे, और पूरा जाम देख सकते हो आप कितना लंबा लग रहा है। फिर ये ब्लू बस जो बसें चल रही हैं वो रॉन्ग साइड सर्विस लाइन पर आ रही हैं बार बार, आपने देखा होगा। अभी क्या लग रहा है स्थानीय विधायक कुमार शर्मा जी, उनके अंदर पीडब्ल्यूडी के है, वो एक पत्थर रखवाया उसके वजह से बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो पवन शर्मा जी इसमें क्या करेंगे, वो तो विधायक हैं, उन्होंने तो कह देना अपना पल्ला झाड़ देना है। ट्रैफिक पुलिस वाला कोई भी नहीं है, इस वजह से जाम लग रहा है। किसकी लापरवाही कहलाएंगे आप? लापरवाही दिल्ली सरकार की कहलाएंगे, पीडब्ल्यू है किसके हाथ में वो तो आप देखेंगे ना अपना, भी राज्य सरकार कोई भी हो, लेकिन है तो जाम ही ना। मेरा नाम सरनजीत सिंह नागी है। ये अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो ऐसा कहना चाहिए कि यहाँ कोई इस जगह का कोई माँ बाप नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये पीडब्ल्यूडी का काम यहाँ चल रहा है, खुदाई जहाँ मर्जी हो जाती है। अभी आप देख लीजिए 2-3 किलोमीटर के स्ट्रेच में कोई आपको ट्रैफिक वाला नहीं मिलेगा, कोई रेड लाइट को पालन नहीं कर रहा, जहाँ मर्जी खुदाई है, जहाँ मर्जी रेडी खड़ी है। जब कोई देखेंगे नहीं, जो आदमी जहाँ मर्जी गाड़ी घुसा रहा है तो कैसे चलेगा काम? कोई किसी को नहीं देखता, सब बस देखिए आप सामने आपके ये रेडियां खड़ी हैं, कार की पार्किंग अनऑथराइज हुई हुई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। जाम से क्या क्या समस्याएं बनी हुई है? किसी को हमना चाहिए क्या, उसको वन वे नहीं किया जा सकता? अगर चाहो तो आप, क्या लग रहा है इस मामले को कोई अधिकारी से बात भी, इस मामले को लेकर आप लोग कोई सुनवाई नहीं है ना, हम कहीं गए ना कुछ होना है, हमारा विश्वास कुछ नहीं है इनके ऊपर, ये कुछ नहीं हो रहा, बस मनमानियाँ हो रही हैं। किसकी लापरवाही कहलाएंगे आप? प्रशासन की, किसकी जिम्मेवारी ये सब चीज़ें देखना? ये इतना मलबा यहाँ पड़ा हुआ है, कब से पड़ा हुआ है, कौन देखेगा इसको? ये सामने पड़ा हुआ है, ये तोड़ा हुआ है, ये कब से पड़ा हुआ है, ये क्यों रखा हुआ है, ये कौन सी कंस्ट्रक्शन हो रही है? जी सर, क्या नाम है आपका? पुनीत कोहली। पुनीत जी, यहाँ आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास लंबा जाम लग जाता है। जाम का मेन कारण जो पीडब्ल्यूडी ने ये पत्थर लगा दिए हैं, साथ में कूड़े का ढेर,
जो कि पिछले एक महीने से काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, और जू का तो ही ऐसे कैसे सबको मान रख के चले गए। यहाँ पर कोई भी सूझ लेने नहीं आ रहा कि इस कूड़े को साफ किया जाए, पत्थर को हटाया जाए, काम को ख़त्म किया जाए। रोज़ दो दो तीन तीन घंटे का जाम आज़ादपुर मंडी से लेके पतले गेट तक लगता रहता है। कोई भी यहाँ देखने वाला नहीं है, ना प्रशासन PAWD, ना कोई ट्रैफिक पुलिस, कोई दूसरी पुलिस का आदमी, कोई भी यहाँ देखने कोई खड़ा नहीं है। क्या लग रहा है, कोई अधिकारी की बात करी जाए इस मामले में? तो अधिकारी कोई आ रहा हो तो यहाँ पर काम ना हो रहा था। कोई अधिकारी नहीं है, कोई लेबर नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। बेमतलब के पत्थर लगा दिए हैं, वो कूड़ा जो अंदर से निकाला उससे ना कूड़ा उठा रहे हैं, कूड़े का ढेर पत्थर सब कुछ ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। काफ़ी लोगों में परेशानी है, दो दो घंटे यहाँ जाम में खड़ा होना पड़ता है। आज़ादपुर ये जो आदर्श नगर की मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे बसें खड़ी रहती हैं, आने जाने का बिल्कुल बुरा हाल है। क्या लग रहा है इस जाम को समस्या? अभी तो कोई अधिकारी संज्ञान नहीं लिया, अभी किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, और ना कोई देख रहे अभी हाल दिख रहा है। आप देखो जाम कैसे लगा हुआ है, दो दो ढाई ढाई घंटे जाम में खड़ा होता है आदमी। मेन तो टाइम की इम्पोर्टेंस है, आदमी का इम्पोर्टेंस हिंदुस्तान में खत्म ही हो चुकी है बिल्कुल। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।